नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फेस्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बलौदाबाजार जिला के कसडोल नगर पंचायत के समीप आज तड़के सुबह गैस वेल्डिंग दुकान में आग लग गई, जिसे बुझाने कसडोल नगर पंचायत की दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग बुझा रहे थे। साथ ही मौके में कसडोल पुलिस के कुछ कर्मी भी थे। दुकान में घरेलू उपयोग करने वाला सिलेंडर भी रखा गया था, जो अचानक फट गया और मौके में स्थित दमकल की टीम सहित पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हादसा इतना भयानक था कि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौके में ड्यूटी दे रहे आरक्षक जीवन पाटले की एक हाथ का पंजा हाथ से अलग होकर दूर चिटक गया। साथ ही चेहरे मुंह में भी गंभीर चोटें आई है। इसके अलावा दमकल की गाड़ी में उपस्थित लोगों को भी गंभीर चोटें आई है। गैस वेल्डिंग दुकान में आगजनी को बुझाते 5 लोगों को चोट आई, जिसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल लाया गया, जिनमें से 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया। वहीं मौके में उपस्थित आरक्षक जीवन पाटले की गंभीर हालत को देखते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल के BMO डॉक्टर अनजान सिंह चौहान ने तत्काल रायपुर रेफर कर दिया है। वहीं पीड़ित दमकल वाहन के चालक बद्री प्रसाद साहू ने बताया कि दुकान में घरेलू गैस रखा था, जिनकी जानकारी किसी को नहीं थी। हादसे में दुकान संचालक की लापरवाही की भी बात कही गई है। सर, कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज एक आगजनी का मामला है, क्या कुछ मामला था पूर्व बताएंगे। आज सुबह 5:30 बजे 5 घायल व्यक्ति को लाया गया, जिसमें एक पुलिस वाले की स्थिति गंभीर थी। उनका जबड़ा और दाहिने हाथ का पंजा अलग हो गया। जैसा कि पुलिस वाले ने बताया कि उनको सिलेंडर ब्लास्ट होने से चोट लगी है और 4 और व्यक्ति घायल थे। तो 4 का प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी कर दिए गए हैं। 4 लोग खतरे से बाहर हैं और 1 को गंभीर था, उनको रायपुर रेफर किया गया। हम लोग के पास, मैं फायरमैन हूँ, मेरा नाम है संतोष राव मराठा, और फायर ब्रिगेड वाले हमारे जो ड्राइवर है बद्री प्रसाद साहू, उसके पास थाना से कॉल आया था। तो हम लोग जल्दी जल्दी एकदम इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड में पानी अपना लोड था, उसको लेकर हम लोग वहाँ पर जो आग लगा था वहीं पर हम लोग जाकर उस आग को बुझा रहे थे। तो वहाँ जो सिलेंडर है, ऐसे करके पता चला पूरा पुलिस लोग आकर पूरा चारों तरफ से घेर लिए थे। फिर भी वो एक बार बुझाने के बाद, जो एक गाड़ी है, एक ट्रिप उठाने के बाद फिर हम लोग पानी आए और लोड किए और फिर तत्काल गए घटना स्थल में। फिर उसके बाद हम लोग बुझाए तो अचानक गैस फट गया और ये दुर्घटना हो गई, जिसमें पुलिस वाला का तो पूरा ये जो मुंह है वो जबड़ा वो फट गया और हाथ कट के निकल गया और सीना में थोड़ा घुस गया है। और जो फायर विकेट ड्राइवर है उसका जो कमर में हेंगल घुस गया था। और मैं फायरमैन हूँ, मेरा ये थोड़ा जो कमर है उसमें चोट आई है। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।